गांव में भी देखा जब हम गांव अपने घर जाते थे तो इसमें गेहूं को रखा जाता था और इसको यूं करके गोल घुमाया जाता था, कोई घूम रहा है। और जब ये सर्कुलर मोशन करता है तो इसमें गेहूं पीसते हैं, तो चारों तरफ से पिसा हुआ गेहूं ऐसे निकलता है और इसको शायद इस तरीके से यूज किया जाता है। गाइस मैंने भी यूज किया है ये घर में और अभी भी वही करती टोटल। बाकी आप मिनी फ्रिज, स्मॉल फ्रिज, हटी तो रूम तो अभी नहीं लगे होंगे रूम भी ना? नहीं अभी इस टाइम पे सर अभी कुछ भी मेंटेन में नहीं। सो हेलो गाइस, दो घंटे की लंबी जर्नी के बाद और थकने के बाद इतनी गंदी सड़क पर अब हम फाइनली हम पहुंच गए हैं द पहाड़ी रेस्टोरेंट, जो कि आपको दिख रहा होगा ऊपर ये लिखा था पहाड़ी ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट रिट्रीट, जो कि हमारे संतोष भाई बताएंगे इसके बारे में। तो कुछ बताइएगा। देखो ये जो रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट यहाँ के एक दिग्गज नेता श्री श्री रणजीत सिंह जी रावत जी का ये रेस्टोरेंट है पूरा। ये क्या, ये जो पूरा रेस्टोरेंट है देखिए, ये पूरा रेस्टोरेंट, ये पूरा रेस्टोरेंट रणजीत रावत जी का है। ये पूरा इसका कार्ट है, नीचे स्विमिंग पूल भी है, डोंट नो कि ऑपरेशनल है कि नहीं है। तो ये पूरा द पहाड़ी ऑर्गेनिक, ये एक वेलनेस रिट्रीट है। यहाँ अंदर लाइव काउंटर चलता है, लाइव, वो लाइव काउंटर चलता है फॉर द फूड, फॉर द कुमाऊनी कुजीन, और ये सब है जो अंदर जाके आप देखेंगे। मतलब चलिए तरीके से ये पूरा एक हमारा कुमाऊनी कल्चर को रिप्रेजेंट कर करता है, उसी बेस पर ये बनाया गया। ये जो आप मकानों की जो रूम्स की जो श्रृंखलाएं आप देख रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे ही हमारे गांव में घर बना करते हैं, ऐसे ही कुछ कुछ हमारे गांव में घर बना करते हैं, जहां पर ये पूरा, जिस हिसाब से ये पूरा रेस्टोरेंट बना हुआ है, एक्चुअली एक रिजॉर्ट है। तो हम चलेंगे अंदर। यहाँ हम कितने साल पहले, शायद 3 से 4 साल हो गए हम 3 से 4 साल बाद आज आ रहा हूँ मैं। हाँ। तो आज की ब्लॉगिंग गाइस मोटा कर रहा है मेरा भाई, तो फिर अभी मैं फ्री हो गया हूँ। देखो इसका काम ऐसा ही है, ये अपने हाथ के काम किसी दूसरे के ऊपर डाल देता है। तो फाइनली वी आर हियर, सो दिस इज द पहाड़ी, हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं इन द पहाड़ी। चॉइस भाई, सो ये है द पहाड़ी। As you can see, so guys, आइए आपको दिखाते हैं। This is our traditional music instrument, the ढोल। The ढोल। और ये जो है, ये इनका live counter है, जहाँ से आप live खाना पकते देख सकते हैं। कितनी खूबसूरती से इन्होंने पूरा wooden architecture बनाया हुआ है। And you can see, these are the glasses जिसमें कुमाऊनी लोग पानी पीना पसंद करते हैं। और ध्यान दिया हुआ ये कांसे का ही होता है। यस, यहाँ पे जितने भी यूटेंसिल्स होंगे वो सारे ब्रॉन्ज के होंगे, इवन द टिश्यू पेपर होल्डर ऑल्सो, दिस इज द टिश्यू पेपर होल्डर एंड ऑल फ्रॉम द ब्रास, पूरा वुडन आर्किटेक्चर करा हुआ है। एक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आप देखेंगे, विच इज कॉल्ड द रणसिंगा। दिस इज द रणसिंगा। रणसिंगा मीन्स जब कोई वॉर में जाया करता था तो उस टाइम पे ये म्यूजिक साउंड हुआ करता था, ये रिप्रेजेंट करता था कि नाउ वॉर बिगिंस। तो जैसा आप अंदर देख रहे हैं, वो सामने सिलबट्टे हैं, उखल हैं, जिनमें धान कूटे जाते हैं, पीसे जाते हैं। सिलबट्टे पे आपका
चटनी या पल्सेस पीसी जाती है। और उधर सामने ही आप देखेंगे कि एक मथनी रखी है जिससे छाछ वगैरह मथी जाती है। सिलपटा दिखा। सो विल आस्क देमसेल्फ कि इफ दे कैन हैव अलाउ अस टू हैव अ टूर ऑफ रेस्टोरेंट आल्सो। सो विल बी बैक। संदीप विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके सो दोस्तों आई एम बैक अगेन। सो जैसा कि आप लोगों को मेरे भाई ने बता दिया होगा कुमाऊनी कल्चर के ऊपर ये रिप्रेजेंट है पूरा का पूरा होटल रिलेटेड। हाँ ओके सो अभी हम लोग किचन के अंदर जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए आप खुद देख पा रहे होंगे कि ये ब्रास से जो यूज़ किया जाता है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में सभी जो केटल्स और जग्स टोटली जो यूटिलिटीज़ होती हैं ये सारे ब्रास के होते हैं। हमारे पहाड़ों में भी यूज़ करते हैं, हमारे घरों में भी रखे हैं। सो दिस इज द एंशिएंट थिंग लाइक दीज आर द चक्की। इसे ये वही वाली चक्की है, चक्की चक्की नमक निकाला वही चक्की है। होता क्या था कि हमने अपने गांव में भी देखा है, जब हम गांव अपने घर जाते थे तो इसमें गेहूं को रखा जाता था और इसको यूं करके गोल घुमाया जाता था। देखो ये घूम रहा है और जब ये सर्कुलर मोशन करता है तो इसमें गेहूं पीसते हैं तो चारों तरफ से पिसा हुआ गेहूं ऐसे निकलता है। तो उससे ही हम लोग पहाड़ में रोटी खाते थे। वाओ एंड प्लीज एलैबोरेट दिस थिंग। और ये जो रहा ये छाछ फाड़ने का हुआ हमने पहाड़ों में एक्चुअली रॉड्स कहते हैं रॉड कहते हैं क्या रॉड कहते हैं ना इसको तो एक क्या होता है वो ठेकी। हाँ ठेकी ठेकी बोलते थे उसको। तो जैसे कि ठेकी ये रखा है वो लकड़ी का ठेकी होता था ये इस चीज़ को नीचे रख के फिर हम ऐसे ऐसे करके फेंटा फेंटते थे। तो मैंने भी एक बार ट्राई किया था पहाड़ में। हाँ काफ़ी And this is the ओखल। This ओखल जो कि ये होता है गाइस बहुत ही भारी है। ये उल्टा पकड़ रहा हूँ। नहीं उल्टा पकड़ रहा हूँ क्योंकि ये लोहे का है इसलिए कट होता है। सो धान को इसी तरीके से पीसा जाता है मतलब जो उसके क्या है जो बाहर का कॉर्क उसे निकालने के लिए जब इसमें रखा जाता है उसको इस तरीके से मारते थे और चावल घूमते थे इस तरीके से। एग्जैक्टली और बल्कि कुछ लोग गाने भी गाते थे झोरा वगैरह भी होता था। तो लोग बहुत मैंने एक बार लाइफ में शायद एक या दो बार ही देखा ज़्यादा नहीं देखा। सो ये रहा उखल सिलपट्टा जिसमें मसाले वगैरह जो पीसते ये है सिलपट्टा जो कि चटनी वगैरह कुछ भी मसाले हम पहाड़ में जैसे खाने में बनाते थे तो उनमें मसाला वगैरह जो पड़ता था तो इसमें ही उनको खड़े मसालों को इसमें पीसा जाता था और इसको शायद इस तरीके से यूज़ किया जाता है। गाइस मैंने भी यूज़ किया है ये घर में और अभी भी हमारे घर में चोबी के आमों की चटनी। हाँ आम की चटनी और चोबी के आमों की चटनी। हाँ और भंगीर की चटनी भी इसमें मैंने बनाई है। दीज आर सम यूटेंसिल्स लाइक ये तौली है इसमें चावल बना करते थे। जो भी पकवान आपके पास भड्डू है भड्डू ये तो छोटे भी रहते हैं ये बड़े साइज। हाँ ये बड़े साइज लाइक दिस इज द भड्डू गाइस जिसमें मटन या चिकन बहुत अच्छे से बनता है। ये देखिए ये होता है सूपा इसमें तो ज्यादातर जैसे चावल या दाल चावल चावल में फेंटने का काम आता है। चावल को फेंटने का काम आता है इसको ऐसे ऐसे किया जाता है तो कुछ गंदगी होती है कीड़े वगैरह सब साइड में आते बाहर निकाल देते। और ये रहे अगेन द बॉल्स द ब्रास से बने बॉल्स। और ब्रास में खाने का भी एक कुछ एग्जैक्टली इसमें दही नहीं खाया जाता। हाँ बस ना हम दही एसिडिक चीज़ें नहीं खा सकते हैं क्योंकि रिएक्ट होता है। और ये है चूल्हा ओवन है इसी के ऊपर पकवान बनते हैं। ये तो ट्रेडिशनल नहीं है लेकिन ये ट्रेडिशनल नहीं है ये तो आपने मंगवाया है यहीं पे बनवाया है।
एंड दिस इज देयर लाइव किचन, यहाँ से लाइव पकाते हैं एंड ताकि बाहर जो बैठे गेस्टेज हैं वो एंटरटेन कर सकें, इनकी किचन को देख सकें. इट इज़ नॉट ऑपरेशनल राइट नाउ, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, बट आप हैं, आपका नाम क्या है? मेरा मनोज. मिस्टर मनोज हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से ब्रीफ कराया हमें पूरे अपने किचन के बारे में एंड अबाउट द रिजॉर्ट. तो मनोज जी, आज क्या आप खिला सकते हैं अगर कुछ खाना चाहें हम? तो कुमार इस टाइम में अभी तो क्या क्या सर, एक्चुअली हमारा 3-4 महीने से जो लॉकडाउन से पहले थोड़ा भी होटल रिसोर्ट कुछ भी आप खिलाना चाहें पहाड़ी स्टाइल में. एक्चुअली सर कुछ भी नहीं हो पाया, स्टाफ भी कम है, दूसरे में अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो इस वजह से ये 4-5 महीने से प्रॉपर्टी बंदी है. क्यों? एक्चुअली सर मेंटेनेंस जो, एक तो क्या जो वाटर लाइन जो आती है ना हमारी पहाड़ों में काफ़ी दूर से आती है. सो गाइस, अभी हम रूम देखने जा रहे हैं, कभी नज़ारे दिखा देते हैं आप लोगों को, कभी आपको यहाँ स्टे करना हो. सो दिस इज द एंशिएंट पिक्चर. हाँ, ये हमारी धरोहर देखो, बिल्कुल जो लेडीज़ ने पहनावा पहना है, ये हमारे कुमाऊँ का पहनावा है. वाह, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, जैसे व्यूज आप देख पा रहे होंगे. ये पूरा वुडन है ना. वाओ, सी द लिविंग एरिया. वाओ, दिस इज द लिविंग एरिया. ओह माय गॉड, सैक्सोफोन. सैक्सोफोन ना, एशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. वाओ, श्वार्ड. कुछ लिखा है इस पे, सिर का 750. अटैच्ड है ना? कोई एक रूम फर्स्ट वाला. अच्छा, सेम रूम तो सेम ही, रूम तो सेम ही होंगे. ये रहा वॉशरूम. वेरी सेक्सी. ये बेड है, बाकी एसी वगैरह टोटल, बाकी आप मेरी फ्रिज, स्मॉल फ्रिज, टी बेड्स. तो रूम तो अभी नहीं लगेंगे, रूम भी ना नहीं अभी इस टाइम पे सर, अभी कुछ भी मेंटेन में नहीं है. एक्चुअली मेंटेन में है लेकिन वैसे प्रॉपर चला नहीं रहा. अच्छा अच्छा, ऐसा इशू हो जाए. दिस इज द व्यू. वाओ, सो गाइस कैसा रहा? ऑल गुड यार, फुल सैटिस्फैक्शन. सो कोई बात नहीं, इस बार वो चीज मिली नहीं, वो चीज मिली नहीं क्योंकि अभी ये अंडर मेंटेनेंस है. सो